केंद्र की किसी भी सरकार ने पंजाब के पोलिटिकल नहीं की, चाहे वह मनमोहन सिंह सरकार हो गए। हालांकि जिन्ना चिर साहब मनमोहन सिंह ने जा इंदर गुजराल ने पंजाब की खबर किया उन्होंने किसी ने किया नहीं है, पर उन्होंने भी डंडा किसी होर का सकता उनका सरकार ही उन्हों की है जी कि सिखों को जितना का एक पास रहा उजाड़न वास्ते हर हीला वरत रही है। जिस तरह के गुजरात के सिखा ने हाई कोर्ट में केस दिया, सरकार सुप्रीम कोर्ट चल गई है। बाकी हम सारिया पार्टियां सरगर्म होकर कुरबानिया की गल कर लगे हैं क्योंकि अगर इलेक्शन है, बाकी कुरबानी आप लोगों की गरीबा लोगों ने देनी है, लीडर किसी ने नहीं मरना। जोड़ा बंदा हरिमंदर साहब तो हमले दौरान नहीं मरिया हथ खड़े करके बाहर आ गया वह हूँ कितों मरन लगे क्योंकि इन्होंने रवायती पार्टियों के भगवान रंग इन्ना काट के चढ़ गया कि इन्नी जल्दी उतरता नहीं है। तो सामने सारे ने सोचू कि जरा आओ कट्ठे होकर हल्ला मारिए, तीसरा बदल लीजिए ताकि इन्होंने तो छुटकारा पा जाए। स्वागत है जी सारिआं दा, सारे भी जिन्हें भी स्रोते इस प्रोग्राम दे नाल जुड़े हुए ने एक बार फिर तो निघा स्वागत है प्रोग्राम ग्लोबल गलबात दे विच। ब्रेक तो जाण तो पहला असी तुहानूं दस्सिया सी कि भलके क्योंकि 6 जून है ते 6 जून दा ये दिन शायद ही सिख कौम कदे भुला सकती है ते भलके घल्लूकारा दिवस मनाया जा रहा ते अमृतसर दे विच श्री दरबार साहिब दे विच जिथे जथेदार अकाल तख्त साहब संबोधन करनगे कौम नूं ते उत्थे ही श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान भी जिहड़े संबोधन करनगे। ते इस तों पहलां मामला सिद्धू मूसेवाले दे केस दा भी चलिया सी ते जिहड़े रवि जोशी जी ने उन्हां दी कड़ी कॉल ड्रॉप हुई सी। एक बार फिर तो असी रवि जोशी जी वल चलदे आ। रवि जी एक बार फिर तो स्वागत है, माफ़ी चाहुंदे आ कुछ तकनीकी खराबी कारण असी गल पूरी नहीं कर सके सी तुहाडे नाल। रवि जी हुण तुसीं इस केस नूं किस पासे जांदे देख रहे हो क्योंकि हुण जंगशेर सिंह नूं जमानत राहत दे दित्ती आ हाई कोर्ट ने, हुण इनक्वायरी नूं तुसीं किस पासे देख रहे हो? सर देखो इनक्वायरी दे विच तां मिस्टर रुपिंदर भारद्वाज जिहड़े एसपी ने आई थिंक ही इज अ वेरी ऑनेस्ट परसन ते उहनां दी रिटायरमेंट भी कहिंदे हले नेड़े ही है, इस साल उहनां दी रिटायरमेंट है जी। ते बाकी दूजी गल इह है वी देखो हुण इनक्वायरी दे विच उह किन्ना कु प्रेशराइज करदे ने बिकॉज़ मैनू किधरे ना किधरे लगता है भी हले तक देखो मोबाइल जिहड़ा जिहदे कोलो अपलोड हुई है वीडियो ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ ਇਨ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਆਈ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਬਿਗ ਡੀਲ ਟੂ ਟ੍ਰੇਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਰਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, PIL ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ।
सो गल घल्लूकारा दिवस की कर सकते हैं, कर रहे हैं, भलके घल्लूकारा दिवस मनाया जा रहा। तो इस लिए एक बड़ी हैरानी की गल है कि इस बार श्री दरबार साहब के विच ते तख्त साहब के विच प्रेस की एंट्री ते बैन लगा दिता गया, प्रेस उत्थे दाखिल नहीं हो सकती। एक जिहड़ा मैसेज आ वह भी सारे अमृतसर साहब के पत्रकार सारे साढ़े साथियों नूं साढ़े वीरां नूं पहुँच गया कि वह उत्थे आउण दी दरबार साहब आउण दी कल नूं खेचल ना करन, क्योंकि उहनां दे जिहड़े दाखले ते पाबंदी लग गई है। DPRO थ्रू यह मैसेज गए ने, तो जानकारी यही मिली आ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर नूं एक गुजारिश की सी कि मीडिया नूं भलके इस समागम तो दूर ही रखा जाए। कारण सानू सब नूं पता है कि हर बार जो कुछ भी अकाल तख्त साहब ते हुंदा, जिस तरह साडे अपने ही सिख भरा एक दूजे नाल भिड़दे ने, वह नहीं चाहते कि इस तरह दीआं जिहड़ीआं माड़ीआं तस्वीरां ने वह जग जाहर होण। सो इस मामले ते असीं गल करांगे अमृतसर तों साडे सहयोगी पत्रकार सुखचैन सिंह ने, सुखचैन सिंह दे नाल असीं राबता कायम करके उहनां दे नाल इस पूरे मसले तों जानकारी हासिल करांगे। लेकिन बड़ा ही गंभीर विशा बन जाता है कि मीडिया जिन्हों की स्वतंत्र पूरी आज़ादी है किते भी जाण दी, किते भी मीडिया जो कि गलत हो रहा, कितने घटना कोई वापरती है या कोई खास कोई वड्डा इवेंट हो रहा, मीडिया उसनू जरूर कवर करता है। तो मीडिया की जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी कड़ी है जिहड़ियां खबरां नू दर्शकों तक एक लैके आउंदी है, एक धागे दे विच परोके लैके आउंदी है। सो इस तरह का जिहड़ा दरबार साहब दे विच मीडिया ते पाबंदी लगाउणा, ये भी एक शर्मसार करन वाली गल हैगी आ, क्योंकि इस तरह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नू शोभा नहीं दिंदा। मीडिया नू बाहर रख के किन्ना क सच लुकाया जा सकता है, किन्नियां क गल्लां लुकोईयां जा सकदियां ने, क्योंकि जे मीडिया नहीं आऊगा तो सानू सारयां नू पता है कि सोशल मीडिया की भी पावर पिछले समय तो बहुत ज़्यादा वड्डी हो गई है। या फिर कि उत्थे प्रधान साहब हुण दरबार साहब दे विच जिन्ने भी लोग दाखिल होणगे कि सारयां दे वह फोन भी रखा लैणगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जिहड़ा भी श्रद्धालु आऊगा उहदे हत्थ दे विच फोन जरूर होऊगा, हर एक दे कोल स्मार्टफोन है, चंगे चंगे कैमरे इन्हां स्मार्टफोनां दे विच ने। ते जेकर कुछ भी अजिही असीं वैसे रब ना करे कि गड़बड़ होवे, पर जेकर कोई अनसुखावी घटना वापरदी है तो जिहड़े श्रद्धालु ने फिर वह भी अपने कैमरियां दे विच कुछ तस्वीरां रिकॉर्ड कर सकते ने। तो ये गल जिहड़ी है बड़ी सोचण वाली गल है, तो इस विषय ते सुखचैन सिंह साडे नाल गल करनगे, तो असीं उहनां तों जाणांगे कि क्यों आखिरकार हुण मीडिया नूं घल्लूकारा दिवस दे इस समागम तो दूर क्यों रख्या जा रहा, आखिर वजह की है। सो तो यह दस दिंदे हां कि 11 बजे के करीब सवेरे 11 बजे के करीब अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह कौम के नाल संदेश अपना देणगे, ते नाल ही श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल भी कौम नूं संबोधन करनगे। सो इस नूं लैके पूरा जिहड़ा अमृतसर शहर है इहदे विच पूरी जिहड़ी सुरक्षा कड़ी कर दित्ती गई है, खास करके दरबार साहब दे अंदर भी, दरबार साहब दे आसे पासे भी। ते असीं देख रहे हां कि जिस तरीके दे नाल 6 जून 1984 नूं वह दिन सी, 36 साल पूरे कर चुके हैं। सो इस चर्चा दे विच हुण साडे नाल शामिल हो चुके ने अमृतसर तो साडे सहयोगी पत्रकार सुखचैन सिंह। सुखचैन बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सुखचैन, जिस तरह के नाल रिपोर्टां आ रही ने कि मीडिया नूं आउण ते जिहड़ी मनाही लगा दित्ती गई है, तुसीं की समझदे हो, जिन्हें भी पत्रकार भाईचारे तुहाडे नाल ने उहनां दे मनां ते की इस तरह का की इस दा इफेक्ट की पै रिहा? जी बिल्कुल, जिस तरह के मीडिया दे विच काफी रूप ते आखिरकार जिस तरह कल जो शहीदी समागम है काफी देर तो मीडिया कर्मचारी इसमें कवर करना चाहते सन, लेकिन जिस तरह लोग कहा गया कि प्रशासन यह लिख दिया गया कि असं मीडिया कवरेज नहीं करवाना चाहते, तो इस प्रशासन वालों DPRO वालों सा मैसेज आया कि SDP के कहे मुताबिक सवेरे मीडिया की एंट्री उसे बैन होगी। इस जो समागम में लॉकडाउन के चलते काफी घट गिनती शमूलियत होगी संगति की, संगतां दी श्रद्धालुओं की, क्योंकि जैसे अकाल तख्त साहब पहले ही कह चुके हैं कि संगतां घट तो घट सियांत घर बह के शहीदों को श्रद्धांजलि देन, उस तो अलावा जो दमदमी टकसाल के जो मुखी हैं हरनाम सिंह यादव उन्होंने वालों भी कहा गया, और होर भी कितने मेरे कल खालसा वालों भी अपना जो अपना यादगारी मार्च वो भी उन्होंने संखेप संकेतक कर दिता गया, छोटा जहा
पांच मैंबर वालों कटाया गया। लेकिन उसके बाद एसजीपीसी को लिस्ट करना कितने ना कितने जो मीडिया कर्मचारी रोस पाया जा रहा है जी। हाँ बिल्कुल सुचैन, यही तो गल है ना, क्योंकि बाकी जिहड़े श्रद्धालु ने उन्होंने आने से तो वैसे ही हजे 8 तरीक तक बैन लग्या होया, सो असी ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कट हो जाना है जी, तो इस करके भी जिहड़ा हैगा कि मीडिया कर्मी हो जाने जी तो कट होर भी वध सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस मुद्दे पर भी ये बहाना नहीं लग सकता। सो बड़ी हैरानी की गल है, तो फिर कुछ जिहड़े पत्रकार तुहाडे साथी ने या पटिया जो अमृतसर का प्रेस क्लब है उसका रिएक्शन की होएगा हम सुचैन अगे जी? बिल्कुल दस दें कि जो श्रद्धालुओं की आमद तो पहले दो मिनट तो करती कि बैरीकेडिंग लगन करती इक्का दुक्का श्रद्धालु उसे आ रहे सन, लेकिन उस तो बाद घट गिनती श्रद्धालु की कवरेज ना करना जो प्रेस के काफ़ी निराशा पाई जा रही है। तो उन्होंने हालांकि एसजीपीसी तक अपना सुनेहा भी पहुँचाया गया प्रेस क्लब वालों या जो मीडिया साड़ी एसोसिएशन है, लेकिन फिर भी अभी तक एसजीपीसी वालों कोई हाँ पक्की या कोई रिस्पॉन्स मिलया नहीं है या ना कोई वालों हुंगारा दिता गया है, क्योंकि उन्होंने क्या इतराज जताया गया कि आखिर क्यों मना किया जा रहा है कि एसजीपीसी किस चीज़ को लुकाना चाहती है उत्ते या किहड़ा वड्डा समागम जिहा जां कोई इहो जिही किहड़ी चीज़ है कि जिस करके एसजीपीसी मीडिया के अंदर आते उन्होंने बैन लगाया है, लेकिन एसजीपीसी कोई ठोस जवाब नहीं दे सके अभी तक जी। ठीक है सुचैन, जाते जाते ये दस दियो कि सुरक्षा के मसले को लैके किस तरह के जोड़े प्रबंध उत्थे हुए हुए हैं जी? बिल्कुल, जिस तरह के जी हरिमंदर साहब के आले दुआले पहले तो ही दो महीने तो बैरीकेडिंग करके जो हर श्रद्धालु के आने जाने रोक लगी हुई थी, तो उस तो बाद जो 6 जून काफ़ी वैसे हर साल जो ऐसी पुलिस प्रशासन वालों काफ़ी दूसरे जिलों को भी पुलिस मंगवाई जाती है ताकि इतने कोई अनसुखामी घटना ना वापरे, क्योंकि एस जी पी सी मुलाजम से जो कर्म दली जिन्होंने कह सकते हैं जो शहीद समागम में शामिल होना आना उन्होंने अक्सर जो नारेबाजी में आके या टकराव की स्थिति बनती है उसको रोकने लिए पुलिस हर साल दूसरे जिले तो पुलिस मंगवा दी है, इस बार भी 4500 के करीब जो मुलाजम हैं वो इन थावान तैनात किए गए हैं, तो जेकर कहा जाए तो कुल मिला के जो श्रद्धालु की गिनती घट हुई पुलिस की नफरी है और ज़्यादा होने की उम्मीद प्रगटाई जा रही है कल सवेरे शहीद समागम के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुचैन बहुत साढ़े नाल जुड़न दे लई, तमाम जानकारी सांझी करन दे लई। सो साडे अमृतसर साहब तो साथी पत्रकार सुचैन सिंह जुड़े सी साडे नाल, जाहिर है जिहड़ा गुस्सा मनां दे विच जायज़ है अमृतसर प्रेस क्लब दे विच, क्योंकि जिस तरह दे नाल इस समागम दे विच पत्रकारां ते बैन लगा दिता गया है, अपने आप दे विच इक सवाल भी है कि अजिहा की होण जा रहा, की वखरा होण जा रहा जिहड़ा श्रोमणी कमेटी उस समागम नूं पत्रकारां दे कैमरियां दीआं अक्खां राहीं दिखाउणा नहीं चाहुंदी। सो कॉलर साडे नाल जुड़े ने जी, बहुत बहुत स्वागत है जी, नाम दस दिओ कित्थों बोल रहे हो? सत श्री अकाल जी, प्यारा सिंह अमेरिका तो बोल रहे जी। सत श्री अकाल प्यारा जी, ठीक ठाक हो जी, सेहतां ठीक ने? कृपा दा तुहाडी सर बिलकुल सही चल रहा है। ਇਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਦਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡੰਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਵੱਧ ਕਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਿਓ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਕਾਢ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਲਿਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ
एक्साइज विभाग के जिस तरह के नाल पिछली तो पिछली कैबिनेट मीटिंग पंजाब सरकार की हुई सी तो उहदे विच रौला पिया सी कुछ मंत्रियों का मुख्य सकत्तर दे नाल एक्साइज विभाग के घाटे नूं लैके कुछ 600 करोड़ रुपए का जिहड़ा घाटा वो दस्या गया सी मंत्रियों के वलों। हालांकि मुख्य सकत्तर ने इसका थोड़ा विरोध किया सी जिस करके मंत्री साहबान नाराज भी हो गए सी ते आखिरकार इस मामले दे विच कुछ कैप्टन साहब नूं अगे आना पिया ते उस मसले नूं सुलझाया गया मुख्य सकत्तर की माफ़ी दे नाल। सो हुण तुसीं देख सकते हो याद है तुहानूं कि अनेक ही जिहड़े कांग्रेसी विधायक सी जिन्हां ने यह मसला चुकिया सी लगातार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक दरअसल ट्वीट किया सी सब तो पहला वो ट्वीट इस घाटे दे नाल जुड़िया होया सी। उस तो बाद कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने भी रीट्वीट किया फिर ट्वीटां की गिणती लगातार वधदी गई तमाम जिहड़े कांग्रेसी विधायक ने उस इस ट्वीट की जंग दे विच शामिल होंदे गए। सो साढ़े नाल साढ़े चंडीगढ़ तो सीनियर पत्रकार साढ़े सहयोगी बिंदु सिंह जुड़ चुके हैं। बिंदु जी बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। बिंदु जी जिस तरीके दे नाल तुसीं असीं देख रहे हैं कि सुखबीर सिंह बादल वालों भी अज्ज प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों भी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है तो दोनों पार्टियां ने किसान के दर्द नूं बड़ा इत्थे अगे करके रखिया। अकाली दल कहिंदा कि असीं तां जी कुरबानी दे दांगे कोई भी कुरबानी दे सकदे आ किसानां दे हितां दे लई तुसीं की समझदे हो जिस तरीके दे नाल अज्ज एक तो एक बाद जिहड़ी इह प्रैस कॉन्फ्रेंस होई है। देखो असल दे विच पिछे जिवें तुहानूं पता ही है कि सीड स्कैम जिहड़ा किसानां दे जिहड़े बीज नूं लैके जिहड़ा एक गल जिहड़ी हैगी है वह काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों दे विच अगे उभर के आई है पर उहदे नाल नाल ही जिहड़ा हुण किसानी नूं लैके एक नवीं जिहड़ी एक ऑर्डिनेंस पास किया सेंटर ने वो ना करते जे आप पार्टिया की राजनीति के वाल एक मिनट लिए ना देखिए तो किसान लिए बहुत घातक होने वाला है साबित क्योंकि ना करते मंडी जिहड़ी सी स्टेट अफेयर हैगा क्योंकि किसान जिहड़ा एक अपने स्टेट के अपने डिस्ट्रिक्ट अपने जिले के अपने जिहड़ा जिथे रहिंदा है जिथे मतलब कि वसदा हैगा जिथे प्रोड्यूस पैदा होंदी है खेत होंदा है थोड़ा जिहा नेड़े तेड़े की मंडियां कोशिश करता है कि उत्थे मेरी जिहड़ी हैगी है खरीदो फरोख जिहड़ी उत्थे हो जाए ते उहदे नाल उहदा ट्रांसपोर्टेशन है होर चीज़ां बचदियां ते नाले उहनूं MSP जिहड़ी खास करके तय की गई है सरकार के द्वारा वह मिलती है। इस दे नाल इक तां सब तो पहले MSP जिहड़ी है वह जाएगी जिहड़ा नवीं चीज़ आई है। दूसरी प्रॉब्लम है इस दे नाल जिहड़ा मंडी और जिहड़ा बनाया गया सी मंडियां दी जिहड़ी एक सहूलत सी स्टेट अफेयर वो जिहड़ा उहदा जान दा खदशा पूरा दा पूरा हैगा क्योंकि सारे जिहड़े इस दे नाल ऑर्डिनेंस पास करना सीधा केंद्र दे हाथ आ जाए केंद्र दे जिहड़ा हैगा इस तरह दा प्राइवेट प्लेयर्स नूं इहदे विच पा दित्ता होया जिहड़े कि जिद्दां रिलायंस है होर कंपनियां ने वह सीधा जिहड़ी है हुण फसल जिहड़ी है वह खरीद सकणगीआं उहदे नाल कई चीज़ां जुड़ियां होईआं ने जे मंडी बोर्ड दे नाल जिहड़ी मंडियां दा जिहड़ा एक तरीका सी इन्ने सालां दा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਅਬਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਮਾਰਗ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇਗਾ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਮੈਂ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ
तो उन्होंने बार बार प्रोसेसिंग यूनिट की गल की है कि जिहड़ी भी फसल या जिहड़ी पौधे या जो भी उपज इत्थे हुंदी है जिवें जी चाहे टमाटर है चाहे होर चीजा ने सब्जियां ने या फिर फसल है ओहदी पैकेजिंग ओहदी प्रोसेसिंग ओहदी चीजा बन के जान नजर मारी जाए तो असल कि प्री कह सकते हैं प्री मानसून होंगे उस तरीके प्री जिहड़ा है एक तरह का शुरुआत हो गई है जिहड़ी चोणा दी जिहड़ी 2020 होनी है बिल्कुल हुणे अगे हुणे अगे देखण दी लोड हैगी है कि हुणे आउंदे 2 सालां दे विच किहड़ी पार्टी किसानों का किन्ना क हक पूरेगी। सो बिंदू सिंह बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुहाडा बहुत बहुत मेहरबानी, तुसीं ये तमाम जानकारी साडे नाल सांझी कीती है। सो इस तो पहला दर्शकों आप गल कर रहे सी एक्साइज विभाग दे विच पे घाटे दी, असी कोशिश करते हैं जे साडा संपर्क कांग्रेस के विधायक राजकुमार वीरका दे नाल हुंदा ते उन्हां तो जरूर इस बारे पुछना चाहवांगे क्योंकि इस पूरे मसले दे विच राजकुमार वीरका ने भी जिहड़ा इतराज कीता सी कि एक्साइज विभाग दे विच जिहड़ा इन्ना 600 करोड़ रुपए का घाटा वह आखिर किस तरह के नाल पै गया। हालांकि जिहड़ी जानकारी है वह यही सामने आ रही है कि जिहड़े ज़्यादातर विधायकों ने विरोध किया सी वो हुण शांत हो गए ने क्योंकि इस मुद्दे नूं ही हुण चकना नहीं चाहते। इन्हां विधायकों के लिए हुण यह मुद्दा किसी काम का शायद नहीं रहा क्योंकि मुख्यमंत्री वल्लों जिहड़ी आ मीटिंग इन्हां विधायकों के नाल कीती गई है ते किते ना किते शायद कैप्टन साहब ने समझा दिता होना कि इस मुद्दे नूं ज़्यादा चुकण दे लई पार्टी का ही नुकसान हो सकता है तो विरोधियों का फायदा हो सकता है। सो कोशिश करांगे आप आगू अमन अरोड़ा दे नाल भी जुड़न दे लई उन्हां दा प्रतिक्रिया भी असी जांदे जांदे लैनी चाहवांगे जे समय ने सानूं इजाजत दित्ती। तो सो इस तरीके दे नाल दोस्तों साडी टीम संपर्क करन दे विच कोशिश करदी है जदों तक असी तुहानूं दस दिंदे आ कि प्रशांत किशोर जिहड़े कि चोण रणनीति दे माहर ने पिछलियां 2017 दियां विधानसभा चोणा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिता के इन्हां दित्तियां ने। इस तो पहलां बिहार दे विच नीतीश कुमार की भी सरकार प्रशांत किशोर दे मोढ़ियां ते ही चल के बनी सी तो एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रशांत किशोर नूं लैके आना चाहुंदे ने 2022 दियां इलैक्शन दे लई पंजाब विधानसभा दी इलैक्शन दे लई। सो हाईकमान दा जिहड़ा हैगा इहदे विच थोड़ा कुछ रुख गर्म लग रहा क्योंकि हाईकमान जिस तरह दीयां खबरां देख रहे हैं कि एक पासे तां प्रशांत किशोर कांग्रेस के प्रमुख चोटी के आगू पंजाब दे विच जां हिंदुस्तान दे विच भी कह सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू दा जिहड़ा सरगंढ है वह आम आदमी पार्टी दे नाल पौण नूं फिरदे ने जिस तरह दीयां रिपोर्टां आईयां ने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह उस प्रशांत किशोर नूं अपनियां आने वाली विधानसभा 2022 दीयां चोणां दे विच एक बार फिर तो उन्हां दीयां सेवावां लैण दी इच्छा रख रहे ने। सो इस करके जाहिर है कि आने वाले दिनों दे विच इस मसले ते भी कुछ कांग्रेस हाईकमान अते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे विचकार कुछ जिहड़ी आ गहमा गहमी या कुछ जिहड़ी हलचल आ असी देख देखण नूं मिल जाएगी। सो दोस्तों कल भलके 6 जून है ते घल्लूकारा दिवस दी जिहड़ी याद आ वह एक बार फिर तो इस घल्लूकारे दी याद ताज़ा हो रही है ते सानू सब नू पता कि सिख कौम कदे भी इस दिवस नू नहीं भुल सकदा। सो कल नवीं गल्लां लैके एक बार फिर तो तुहाडे नाल मुलाकात होवेगी। हुण समां इजाजत नहीं दिंदा, प्रोग्राम असीं इत्थे ही समाप्त कर रहे हैं, कल तो फिर मिलांगे। धन्नवाद, रब राखा। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।